बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी दोस्तों। तो जी कैसे हैं आप सब? तो बस सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता जो है मैंने रेडी किया है और अभी मैंने कहीं जाना भी है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो बस अभी नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर जो है मैंने जाना है, फिर मैं रेडी वगैरह होके फिर चली जाऊँगी कहीं। मुझे आज बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। तो पौधे भी माशाल्लाह मेरे काफ़ी प्यारे हो गए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मौसम जो है आज काफ़ी गर्मी है, धूप निकल आई है। तो ये आप मेरे पौधे देख सकते हैं जो माशाल्लाह से रोज़ाना इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी खुशी होती है देख के। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गई हुई थी, आज बहुत ज़रूरी काम था मुझे और अभी अभी मैं वापस आई हूँ और बच्चे भी स्कूल से लेते हुए आए हैं बच्चों को भी। और बस बच्चे अभी चेंज वगैरह कर रहे हैं और मैं जो है जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बना रही हूँ और ये बस प्याज फ्राई कर रही हूँ और बन रही है भिंडी, तो वो बस मैं वॉश करके जल्दी जल्दी आज खाती है और अभी मैंने सारी चीज़ें रेडी की हैं और भिंडी बन रही है। और ये आप देख सकते हैं साथ जो है आलू बनाए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जो है तिल नहीं था भिंडी खाने का, तो मैंने कहा इनके लिए बना देती हूँ। और जल्दी जल्दी जो है ये धनिया बनाते हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दाल गोश का मसाला। आपको पता है मैं पहले ही दाल गोश के मसाले से ही जो है बनाती हूँ, तो ये इसमें मैं दाल गोश का मसाला ऐड कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं नेचुरल का दाल गोश का मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मेरी प्यारी दोस्तों जो है भिंडी मैंने रेडी कर ली थी और भिंडी की रेसिपी आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो बस ये वही है, चार वाली भिंडी मैंने रेडी की है और जो है बच्चों के लिए मैंने आलू रेडी किए हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि हमने भिंडी नहीं खानी। तो बस अभी ये लोग स्कूल से आए हैं, नहा धो के फ्रेश हुए हैं और बस अभी इन्हें खाना वगैरह देते हैं और फिर इनका सपारे का टाइम हो जाएगा, ये पढ़ने चले जाएँगे। जी तो मेरी प्यारी दोस्तों, शाम का टाइम हो गया और बच्चे जो है सपारा पढ़ के आ गए हैं और मैंने इनके लिए जो है वाटरमेलन ले कर रखा हुआ था, उसको कटिंग करके मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए और जब तक बच्चे सपारा पड़ के आए। तो अब जो है ये ठंडा हो चुका है तो मैं अभी बच्चों को जो है कटिंग करके देती हूँ और बस जो है इनको कटिंग करके देते हैं। और आपको पता है ये गर्मियों में काफ़ी अच्छा है और पानी की कमी भी पूरी करता है और वैसे भी ये विटामिन से भरपूर होता है और पानी जो है कमी से पूरी हो जाती है, बच्चों को लाजमी जो है देना चाहिए। और इसका जूस भी बनता है, वह भी काफ़ी अच्छा बन जाता है, वो भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, इसकी आइसक्रीम का भी बना के दे सकते हैं बच्चों को, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ये खिला सकते हैं। तो बस अभी बच्चों को जो है ये कटिंग करके देती हूँ और जो है रोज़ाना जो है मैं सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करती हूँ और आप लोग भी किया करें जो है काफ़ी अच्छी ये, उससे परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होती हैं। और मैं डेली जो है इसकी तिलावत करती हूँ यासीन की, सूरह मुज़म्मिल की, और आप लोग भी किया करें। जी तो मेरी प्यारी दोस्तों, मैं पार्क में आई हुई थी और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर पौधे कितने प्यारे हैं और ग्रीनरी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और शाम का टाइम है और मैं एक नई जगह का, मैंने कहा एक नया पार्क है हमारी सिटी में, मैं आपको वहाँ का विज़िट करवाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेश फ्लावर्स और कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और इनकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी है और फ्रेश फ्लावर्स हैं ये, और ये पूरा पौधा जो है भरा हुआ है गुलाब के फूलों से और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके पास से। और पौधे जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सूरजमुखी का फूल भी, और काफ़ी सारे यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। मैं चलती जाती हूँ और आपको विज़िट भी करवाती जाती हूँ पार्क का और साथ साथ पौधे भी दिखाती हूँ। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा पार्क है, लेकिन ये देखें कि लोग जो है एहतियात नहीं करते और कचरा जो है ऐसे ही तरह फेंक देते हैं। और काफ़ी अच्छा ये पार्क है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनी हुई है और लाइब्रेरी भी आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है लेकिन ये इस वक्त बंद है तो इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले कर जा सकती, मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और पौधे जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे लगाए हुए हैं और गुलाब के फूल जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरे गुलाब के फूल, ये गुलाब के फूल काफ़ी जो है इस लाइब्रेरी की रौनक को बढ़ा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप वाइट रोज़ जो है, ये सफ़ेद कलर का जो है फूल लगे हुए हैं पिंक, और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें पिंक कलर के फूल। और ये एक और पौधा देख सकते हैं और ये भी बहुत प्यारा है और इस पर भी काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं।
ग्रीनरी भी आप देखें, और शाम का टाइम हो गया है और काफ़ी अच्छा पार्क है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घूमने की जगह है। और यहाँ पे अभी बल्दिया की गाड़ी आई हुई थी और वो जो है पार्क को क्लीन वगैरह कर रही है। और शाम का टाइम है और काफ़ी अच्छी और ठंडी हवा चल रही है, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा आपको विज़िट करवाते हैं जी। तो ये स्पेशल तो देखेंगे, प्याला बना हुआ है और इसके अंदर पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं जी। तो मैं आपको इधर से बाहर का भी व्यू करवाती हूँ। और काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम है यहाँ का, और मुख्तलिफ रास्ते हैं इस पार्क के, और काफ़ी साफ़ सुथरा है और ठंडी हवा चल रही है और शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं। और बल्दिया की गाड़ी भी आपको नज़र आ रही होगी जो कि सफ़ाई के लिए आई हुई है, और जो है काफ़ी ज़्यादा इस पार्क की सफ़ाई का ख्याल रखा जाता है। और सामने जो है बाज़ार है, और ये बाटा की शॉप भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखें पौधे जो है कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये इनकी कटिंग भी आप देखें, और काफ़ी सारी ग्रीनरी है यहाँ पे ये देखें। और मैं आपको यहाँ से नीचे का दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं मैं ऊपर खड़ी हुई हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ये पार्क है जी। तो आपको यहाँ से निशाने हैदर जो है सही तरीके से नज़र आ रहा होगा, और मैं आपको ऊपर पहले लेके गई थी और मैंने आपको ऊपर का विज़िट करवाया था, तो अब आप देखें कि यहाँ से आपको सही तरीके से नज़र आ रहा होगा। और शाम हो चुकी है और मौसम प्यारा, और लगता है बस बारिश अभी हो जाएगी और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो शाम का टाइम है और मैं अभी यहीं घूम रही हूँ, और दिल नहीं चाह रहा कि वापस जाएं, इतना अच्छा मौसम है और बस रात होने वाली है और लाइट्स भी ऑन हो गई हैं पार्क की, और ट्रैफिक को भी आपको नज़र आ रहा होगा, आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि इस पार्क के सामने बिल्कुल जो है मेन बाज़ार है और काफ़ी जो है रौनक होती है माशाल्लाह से, और काफ़ी सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं खाने पीने के जी। तो मैं चलती जाती हूँ और आपको साथ साथ जो है इस पार्क के दिखा रही हूँ चीज़ें, और काफ़ी साफ़ सुथरा है। और अभी जो है हम जो है वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है शाम भी हो चुकी है, और मैंने कहा आप लोगों को इस पार्क का भी विज़िट करवाऊँ, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ नहीं लेके आई हुई, और इंशाल्लाह मैं आपको बाज़ार का भी विज़िट करवाऊँगी। ये आप देखें बच्ची जो है, मैं अपनी बेटी को साथ लेके आई हूँ, और बेटा जो है काफ़ी ज़िद कर रहा था लेकिन उसे मैं साथ नहीं लेके आई, क्योंकि उसने जो है पढ़ने के लिए भी जाना था। तो ये देखें पौधा, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और पौधे यहाँ माशाल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है ग्रीनरी होती है। और ये देखें ये फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं ये देखें। तो जी मेरी प्यारी दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जी। तो मेरी प्यारी दोस्तों, मैं अभी आ गई थी वापस पार्क से, और बस अभी आने के बाद जो है खाना वगैरह बच्चों ने खाया और चाय वगैरह रेडी की, और बस अभी बैठी हुई हूँ और इनको अब कह रही हूँ कि आप सो जाओ, क्योंकि फिर सुबह इन्होंने स्कूल जाना होता है, और ये इनकी स्कूल वाली बॉटल्स थी जो कि आपको पता है गर्मी काफ़ी होगी है, तो मैं साथ देती हूँ इनको, तो बस ये अभी वॉश करके मैंने रखी हैं और पीने लगे थे चाय। तो जो भी मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कमेंट ज़रूर किया करें। तो कल मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे एक नए दिन के आगाज़ के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।